तो मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया था, अगर इस मूवी के ऑफिशियल ओटीटी अनाउंसमेंट नहीं होंगी तो चांसेस है कि ये मूवी ओटीटी पर नहीं आए। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एजेंट मूवी के बारे में। मूवी दोस्तों 23 जून को रिलीज नहीं हुई है। मैंने पूरा ऐप दोस्तों चेक कर लिया है, जो दोस्तों जिन पे मैं बिलीव करता हूँ सारी साइट्स वगैरह मैंने देखी। इस मूवी को लेकर दोस्तों ओटीटी पर कुछ भी न्यूज नहीं है, मूवी दोस्तों ओटीटी पर रिलीज नहीं हुई है। तो दोस्तों क्या होने वाली इसकी नई ओटीटी रिलीज डेट, क्या कब तक हमें मूवी देखने को मिलेंगी, हिंदी में भी आ सकती है नहीं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा गलत लग रही है, क्योंकि इस बार बहुत बड़े बड़े ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ने बोला था कि इस मूवी को 23 जून को रिलीज कर दिया जाएगा। अगर आप देखोगे ना दोस्तों, बिल्कुल इंडिया टीवी और दोस्तों जो इकोनॉमिक टाइम्स करके बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने भी बोला था कि भाई 23 जून तक ये मूवी आने वाली है, लेकिन दोस्तों अभी तक सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पर नहीं रिलीज हुई है। और चांसेस है कि दोस्तों ये मूवी अभी इतनी जल्दी ना आए, क्योंकि सोनी लिव वालों ने कुछ भी ऑफिशियली नहीं बोला है। जब भी दोस्तों बात आती है ना ओटीटी रिलीज की, तो सोनी लिव वाले कहीं ना कहीं अनाउंस कर देते हैं या फिर एक छोटा सा प्रोमो वीडियो डाल देते हैं, तो वहां से कंफर्मेशन मिल जाती है। लेकिन अभी तक इन्होंने एजेंट मूवी को लेकर कुछ भी नहीं बोला है। और अब जो अपडेट्स निकल रही है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इस मूवी को दोस्तों एक हफ्ते का डिले किया होगा सोनी लिव वालों ने, इन केस दोस्तों अगर वो रिलीज करना चाहते होंगे। चांसेस है कि मूवी हिंदी में भी आए, लेकिन अब बताया जा रहा है कि मूवी आपको 30 जून या फिर 7 जुलाई ये दो डेट्स पर देखने को मिल सकती है, उससे पहले मूवी नहीं आने वाली। वैसे आप क्या सोचते हो, सोनी लिव वालों को क्या कहना है? वैसे तो एक फ्लॉप मूवी है, इस मूवी के लिए भाई इतना ज़्यादा वेट कराना ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि नेटफ्लिक्स फ्लॉप मूवीज को डायरेक्टली रिलीज कर देता है, लेकिन सोनी लिव वाले इसमें भी सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट में बता देना। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।